नूर मोहम्मद। अच्छा, देखिए आप लोग वेसल टू में जो प्रधान का गठन हुआ आज, तो क्या लगता है वो लोग काम नहीं होने पाया अभी? हम लोग को यहाँ बहुत काम बाकी है अभी, ये जितना काम ये 10 साल में किया है लेकिन कुछ भी नहीं किया, ये देखा हुआ है लोगों का आंख में धूल झुक का है। अच्छा, धूल पब्लिक जितना भी पब्लिक है ना सबका आंख में धूल झुक करके ये खा गया सब सारा चीज। अभी नया मतलब आप लोग एक पौधा लगाए? नहीं, नया पौधा लगाया, इसमें हम लोग पहले से पानी डाले हैं, पौधा लगाए इसको हम लोग अभी पौधा में फूल फुटाए हैं कि ये फूल का हम लोग को सेंट पूरा 5 साल आए, बस हम लोग का यही इरादा था। हम लोग का एक ही मुद्दा था कि पुराना को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, उसका जड़ उखाड़ करके फेंक देंगे और नया पौधा वहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यही उम्मीद लेकर के हम लोग को नया कंडीटर हम लोग ला करके खड़ा किया। पुराना जब तक फल दे दिया उसके बाद नहीं दिया, फिर नया हम लोग पौधा लगाए हैं। इसका आपका कहना, सीधा तौर से कहना कि पूरा आप नया पौधा का सबको खा सकते हैं? सबको खा सकता है। और उसका जो पौधा में जो फल होता था ना, तो सिर्फ 2-4 जो है ना वो ही खाने सकता था, लेकिन बाकी जो है ना वो उसका बगल में नहीं खाने, जो सड़ जाता उसको फेंक देता था, जो अच्छा है खा लेता था। और बाकी मेरा ये मिसाल है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे बोलिए, मतलब पूरे अंचल में जैसे आप लोग ये पढ़ता है एस एल टू पढ़ता है, वो लोग को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? वो लोग को हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि लाख लाख उन लोग को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग आप लोगों का साथ देंगे हमेशा, दुख सुख जो भी होगा हम लोग को आवाज़ दीजिएगा, हम लोग आप लोग का आगे है जो भी कुछ होगा, लेकिन पहला हम लोग उसका भुगतान हम लोग भरेंगे। चलिए ठीक है, आपका नाम? नूर मोहम्मद है। गांव? गांव रामपुर है। अच्छा, अंचल? जीपी वैसल टू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ इंडिया WB न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जो है हम लोग दक्षिण कल्लागिन गांव पर मौजूद है, जहाँ जो गैसल टू का ग्राम पंचायत से जो प्रधान का गठन हुआ आज, तो हम वह प्रधान के घर में हम लोग मौजूद है। जो आज जो क्या कहेंगे लोगों को, क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, सीधे तौर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे गैसल टू से, जो आप प्रधान जो गठन हुआ आज? सर, सबसे पहले आप लोग का वॉइस ऑफ इंडिया का आपके तरफ से धन्यवाद जानते हूँ, और जितना भी मेरे मैसेज की भेजबेन जो आज के प्रधान गठन हो। আজকে আমাদের গাইসাল টু গ্রাম পঞ্চায়েতের আজকে প্রধান উপপ্রধান নির্বাচিত হলো এবং শান্তিপূর্ণ ভালো সুষ্ঠুভাবেই মানে নির্বাচিত হলো। আমি গাইসাল টুর যত কর্মী আছে সবাইকে বলবো যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, এবং যা উন্নয়নমূলক কাজ আছে পুরনো দিনের যে আছে সেগুলো, যাদের মানুষের মধ্যে কাজকর্ম আছে সেগুলো তুলে ধরবো আর কাজ করবো। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर पहले प्रधान बहुत दिन से बाद आप प्रधान बने, प्रधान का गठन हुआ, तो सबसे पहले गांव में क्या मतलब रास्ता घाट, जैसे टंकी नहीं है, आयरन है यहाँ का, अगर हम सुने देखा जाए पानी में आयरन है, बहुत सारा गरीब है यहाँ जो पानी फिल्टर खरीद कर नहीं पी सकता, तो क्या इंतजाम रहेगा आप लोगों का? এখানে তো আমাদের এখানে গ্যাসাল টুতে যেটা আমাদের এখানে দুটো পিএইচসি গভর্নমেন্ট থেকে হয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পাস হয়েছে, কাজ অনগোয়িং চলতেছে পিএইচসিতে। আর এখন তো মমতা ব্যানার্জির সরকারের উদ্যোগে যে টিএমসি সরকারের যে জলের যা আয়রন আছে আর যেগুলো রাস্তাঘাট আছে আর জল নিকাশি ব্যবস্থাটার উপরে কিছু কিছু জায়গা আছে আমার ওয়ার্ডের আছে যেটা জল নিকাশি ব্যবস্থাটা একটু কম আছে, সেগুলোর উপরে গুরুত্বটা দেবো। আর যেগুলো কাজ একটু রাস্তাঘাট খারাপ আছে সেগুলোর উপরে একটু কাজ করে ইসে করবো। তো দেখে সবসে পেলা যে আপনার গাঁওয়ে কি মতলব লেকে আয়েঙ্গে কাম? এখন সরকারের যেই প্রকল্পগুলো চলতেছে সেগুলো তো মানে থাকবেই, করতেই মানে চলতেই থাকবে। আর কাজ বলতে কি, যে কাজগুলো আছে আমার একটা সবথেকে আমি হচ্ছি এখানকার একটা দাবি আছে দীর্ঘনীতি আমাদের এই গ্রামবাসীর আছে, যেটা কালীতলা ব্রিজ আছে, যেটা কালীতলা ব্রিজটা এর আগে 2011 পঞ্চায়েত সমিতি থেকে করা হয়েছিল, সেই ব্রিজটা আবার সে নদীটা যেটা আছে ওটা ভাঙে গেছে, সেটার একটু রক্ষণা মানে যে রিপেয়ারিংটা করার চেষ্টা করব।
আর আমি আপনাকে লাস্ট কোশ্চেন এটা করব যে ওজা পোখরে একটা রাস্তা গেছে, আপনার ওখানে মানে ওই গ্যাসেল টুই পড়ছে ওটা রাস্তা, তাহলে কি মানে চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ বলতে কি ওই যেটা আমাদের যেটা ওজা মানে খারাপ আছে রাস্তা, খারাপ আছে ওটা ওজা যেটা যেটা দারিবির থেকে আমাদের কালানাগিন বাজার অবধি যেটা আছে ওটা এনবিটির ফান থেকে ওটা কাজ শুরু হয়ে গেছে, আর কালানাগিন বাজার থেকে ওজা পুকুর যেটা ওজা পুকুর আপনার নন্দজার যেটা আছে ওখানেরও ওটা স্যাংশন হয়ে আছে এনবিটির ফান থেকে, ওটাও দ্রুত মানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা চলে, বহুত বহুত শুক্রিয়া হামারে প্রধান সাহেব যে হ্যাঁ जो यहाँ बोला कि अगर देखा जाए हम लोग प्रधान और उप प्रधान को लेकर हम लोग काज करेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ अगर जो सरकार है वो लोग अगर जो पास करता है स्कीम तो हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे, ये प्रधान का कहना है। तो चलिए आगे हम जो फिर वीडियो रखेंगे जो यहाँ गैसल टू प्रधान से जो जितना काम होगा वो भी वीडियो हम आप लोगों को पहुँचाएंगे। तो अभी आज का ये खबर है जो प्रधान गठन चल रहा था पश्चिम बंगाल में कुछ जो ग्वालपोहर और ग्वालपोहर जैसे इस्लामपुर ब्लॉक वहाँ से भी, तो बने रहे भविष्य में डब्ल्यू के साथ, इस वीडियो आगे तक शेयर करने की कोशिश करें। देखिए मैं तो सबसे पहले आपको जो आप जो चैनल का नाम क्या है मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया दिल से कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोगों की बात आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज दीदी हम लोग का जो इतना डेवलपमेंट की काम की है, हम लोग दीदी का हम लोग जो इतना बेनिफिट पा रहे हैं, दीदी हम लोग का गर्व है ममता दीदी, हम लोग बंगाल के लिए एक मसीहा बन के आई है, वो इतना सारा जो स्कीम दे रही है रूपोश्री कन्याश्री सब कोई जानते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आज जो इलाके में हम लोग का इतना जो डेवलप कर रहे हैं रब्बानी सर जो वहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग तक पहुँचाते हैं पब्लिक के हर घर में, आज राशन जो तमाम आदमी जो 5 किलो करके हर एक आदमी पाते हैं, मोदी तो सारा माल बंद कर दिया, अभी GST लगा के यहाँ से सब कुछ लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग के बंगाल का जो हक है उसको नहीं दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोगों से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हम लोग को ये 24 का जो इलेक्शन MP का है इसको हम लोग सबको मिलके एकजुट होके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मोदी नरेंद्र मोदी इसको हटाना चाहिए हम लोग को। उसके बाद अहमद रजा भाई मुस्तकीम भाई मुनी का अंकल और रब्बानी सर का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह से नेता हम लोग के ग्वालपोखर में रहे और इन लोग हम लोग को इस तरह का डेवलपमेंट का काम दें और हम लोग पब्लिक तक पहुँचाए। ममता दीदी क्या जो है TMC पार्टी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद, रब्बानी सर जिंदाबाद, गुलाम रसूल मुनी जिंदाबाद, उसके बाद अहमद भाई जिंदाबाद, मुस्तकीम भाई जिंदाबाद, शेरियर भाई जिंदाबाद। मेरा नाम है सज्जाद आलम, हम PS5 से है, चैनपुर घर है मेरा जी, अंचल पोखरिया अंचल है, PS5 हम लोग का पड़ता है। अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर आयत रेफ्रिजरेशन लेकर आया है, AC फ्रिज वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सर्विस, रिपेयरिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें वीडियो में दिया गया नंबर से।